गुड मॉर्निंग क्लास, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ का टॉपिक जिसको हम कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। तो ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन ये टॉपिक 9th में यूज होता है, 10th में यूज होता है, और जहां पे भी मैथ्स की कैलकुलेशन आती है हर जगह यूज होता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दो, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, DSSB हो और SSC हो, या कोई भी, हर जगह ये टॉपिक होता है। तो हमें ये टॉपिक हर बार अलग से नहीं करना। अगर आप 9th में एक बार ये टॉपिक कर लेते हो और आप अच्छे से सीख लेते हो, तो मैं गारंटेड हूँ कि आप किस क्लास में, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको आज ये टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको डेली 9th और 10th की मैथ और साइंस की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और अगर आप इन वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको किसी ट्यूशन या किसी एक्स्ट्रा ट्यूटर की मदद नहीं चाहिए अपना सिलेबस कवर करने के लिए। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले। पहला, एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी विल गिव एक्स की पावर ए प्लस बी। तो हमें कैसे याद करना है कि अगर बीच में डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका बेस सेम है और पावर अलग है, तो उन्हें ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर ए, तो इसे हम कहते हैं बेस और इसे हम कहते हैं पावर। सेकेंड फॉर्मूला, एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी। तो हम कैसे याद करेंगे, दो चीजें जिनका बेस सेम है, पावर अलग है, अब वो डिवाइड हो रही है, तो उन्हें करते हैं सबट्रैक्ट। थर्ड फॉर्मूला, एक्स की पावर ए की पावर बी, पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की पावर माइनस ए, जब भी पावर नेगेटिव में हो तो हम उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, 1/x। इसी तरीके से अगर ये 1/x होता तो हम इसको क्या लिखते थे, x की पावर a लिखते थे। लास्ट, अगर x की पावर a की मल्टीप्लाई कर दो y की पावर a, तो हमने यहां से क्या देखा कि दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम है और वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स वाई की पावर a। इसी तरीके से मैं एक और बना सकता हूं, x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर a, तो पावर सेम है, बेस अलग है, तो सेम बेस को डिवाइड कर दिया और पावर को ऐसे लिख दिया। तो देखो क्लास, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट पे, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो या कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो। मैं कह रहा हूं अगर जिसको इन फॉर्मूलों के साथ कंसेप्ट क्लियर है वो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है, चाहे किसी लेवल का हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, ये 9th, 10th और गवर्नमेंट जॉब्स सब जगह आ रखे हैं, तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो लाइक अगर मैंने लिखा 243 की पावर 0.8 डिवाइडेड बाय 243 की पावर 0.4, तो हमें क्या करना है, तो देखो अब आपको चेक करना है कि किस फॉर्मूले से ये मिल रहा है। तो हमने देखा सेकंड फॉर्मूला इसकी तरह मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड, दोनों का बेस सेम है और आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड। तो हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर्मूला देखो लिख लेते हैं, एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी विल गिव एक्स की पावर ए माइनस बी। तो ये हमें क्या देगा, 243 की पावर 0.8 माइनस 0.4, दैट विल 243 की पावर 0.4। तो हमें क्या मिला, 243 की पावर 0.4 मिला। अब हमें क्या करना है इसके आगे सॉल्व हो सके, तो देखें अगर आप इसे देखो 0.4 को, 0.4 को मैं लिख सकता हूं 4/10, और 4/10 को 2 by 5 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या करा, इसे 0.4 को लिख दिया 2/5। ऐसा क्यों करा समझते हैं, क्योंकि जब तक ये डेसिमल में है आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको किसमें किया, फ्रैक्शन में। तो देखो इसके बाद कैसे सॉल्व होगा,
अब मैंने 243 का एलसीएम लेना है 3 से 81 3 से 27 3 से 9 3 से 3 3 से 1 तो आ गया 3 की पावर 5 इक्वल टू 243। तो अब हमने क्या किया यहाँ 3 की पावर 5 की पावर 2 बाय 5 5 से 5 कैंसिल गया 3 की पावर 2 दैट मींस 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9 इज आवर आंसर। ओके तो देखो यही बेसिक फॉर्मूला है ये आ रखा है एसएससी के एग्जाम में और कहां से जनरेट हो रहा है नाइन्थ क्लास से। तो मेरे समझाने का मतलब बस एक ही है कि आप नाइन्थ में अगर इसे अच्छे से कर लोगे तो आपको उसके बाद कभी भी इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन टफ हो और आपको क्वेश्चंस को समझना पड़े लेकिन कभी भी इस कंसेप्ट को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और मार्केट में यही हो रहा है कि कोई भी आपको ये सच्चाई नहीं बताएगा कि ये कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और बच्चे करते क्या है ट्वेल्थ पास करने के बाद एसएससी के लिए कोचिंग लेते हैं मैथ्स की और वहाँ ये सब दोबारा पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नाइन्थ में पहले से इसे बहुत अच्छा पढ़ें ताकि आपका काम आसान हो जाए। ओके क्लास तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो देखो मैंने दोबारा कहा कि डेसिमल को सॉल्व नहीं कर सकते उसे फ्रैक्शन में करेंगे लेकिन याद करो डेसिमल को सॉल्व करने से पहले मैंने उसे सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे भी करते हैं आपको 625 दिख रहा है तो 625 का एलसीएम लिया 5 125 5 25 5 5 5 1 तो ये आ गया 5 की पावर 4। ओके 25 तो आपको पता ही क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो अब मैं ये प्लेसमेंट करता हूँ सबसे पहले 5 की पावर 4 की पावर 6.25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 की पावर 2.6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 की पावर 6.75 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1.2। नाउ पावर के ऊपर पावर कौन सा फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करने का सोचा तो 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई करा। तो देखो 6.25 ये अलग से कैलकुलेशन है ना 6.25 मल्टीप्लाई 4 4 5 20 4 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 5 तो आ गया 25 कितना आ गया 25 तो 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई किसको इससे मल्टीप्लाई किया 26 2 52 तो 5 की पावर 5.2 डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यों क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 6.75 मल्टीप्लाई 4 4 20 4 4 28 और 2 3 4 3 4 6 24 और 3 27 तो 5 की पावर 27 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1.2। अब देखो यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है और आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या पढ़ा था बेस सेम हो तो उन्हें आपस में पावर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो 5 की पावर 25 प्लस 5.2 और नीचे 5 की पावर 27 प्लस 1.2 तो ये देगा 5 की पावर 30.2 और वो देगा 5 की पावर 28.2। नाउ दोनों का बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है बेस सेम और डिवाइड हो रहे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो 5 की पावर 30.2 माइनस 28.2 ये देगा 5 की पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25। तो आपने एक चीज नोटिस की क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था और ये था ये क्वेश्चन भी आ रखा है दिल्ली पुलिस के पेपर में। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करो ये कहाँ से जनरेट हो रखा है नाइन्थ से। तो आप आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल जो बुक्स खरीदते हो उनमें ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो क्वेश्चन होते क्या है इन फॉर्मुलों का इम्प्लीमेंटेशन होता है लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपको ये सब चीजें आसान लगने लगेगी। ओके क्लास तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है इसे देखते हैं 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इतना तो आप लोगों को बिना एलसीएम के भी आना चाहिए। तो यानी कि 3 की पावर 3 और 81 का एलसीएम लोगे
तो आता है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। ओके, तो ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि ये टेबल जैसा ही है। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 - 2/3 / 3 की पावर 4 / 3/4। अब देखो क्या करना है। देखो पहला हमारा एम यही रहता है कि हम क्वेश्चन को यूनिफॉर्मिटी में लाए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है चाहे यहाँ नंबर कोई भी दे रखे हो, हम इसे सिमिलर वेज के लाने की कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था 625 25 5, तो हमने सबको किस में कन्वर्ट किया था, बेस 5 में। वैसे ही अब मैंने इन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, बेस 3 में। तो अब हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 / -2/3 / अब देखो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 3/4 1 की भी पावर है और किसकी भी। तो पहले मैंने क्या किया, 1 की पावर 3/4 लिख दिया और फिर 3 की पावर 4 / 3/4 लिख दिया। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिमिलरली इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 3। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर -2 / 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 1 / 3 की पावर 3। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं, कि जो डिवाइड होता है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और चीज़ों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कर देते हैं, तो हमने क्या करा, 3 की पावर -2 / 3 की पावर 3। अब अपने क्लास, तो कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं, स्क्वायर रूट 0.3241 / 0.5625 / 0.2895 / 70.29 / 64। ओके, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे आर डी शर्मा में या किसी भी बुक में। तो कैसे करना है, देखो जब तक कि इनके डेसिमल नहीं हटेंगे आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल हटाते हैं। देखो तरीके बहुत हो सकते हैं इन्हें करने के लिए, लेकिन हमें सबसे आसान अप्रोच करनी होगी। सबसे आसान अप्रोच यही होती है कि आप सबसे पहले इसके डेसिमल हटाओ। तो देखो ऊपर कितने प्लेस डेसिमल है, पहले डेसिमल इधर 3 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस, टोटल 9 प्लेस हो गया, याद रखना। तो ऊपर था 9 प्लेस, हमने लिख लिया रफ में, नीचे 4 4 8 और 1 9, नीचे भी कितना हो गया 9। तो आपको पता है कि हम करते क्या हैं, पहले तो डेसिमल फ्री कर दो इस पूरी कैलकुलेशन को। तो हमने लिख दिया 3 2 4 81 4 6 2 4। अब आपको पता है, जैसे आपको पता होगा 2.5 को 25/10 लिखते हैं, तो हमने क्या करा, डेसिमल एक प्लेस पहले था तो 10 वाला लिख दिया। इसी तरीके से अगर 2.56 होता तो लिखते 256/100, है ना। तो 2 प्लेस था तो 20 लिख दिया, तो यहाँ पे ऊपर कितने प्लेस थे, 9, तो हमने नीचे 10 की पावर 9 लिख दिया, 10 की पावर 9, क्योंकि 100 को भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। ओके सेम, अब नीचे वाले को पॉइंट फ्री कर दिया, 1.56 2 5 2 8 9 7 2 9 6 4, ऊपर भी आ गया 10 की पावर 9। तो अब हमने क्या देखा, ये दोनों पावर सेम है, दोनों पावर सेम है, तो कट गया। तो अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने में आ जाते हो और आप सीख जाते हो, तो हम देखते हैं जब दोनों प्लेस सेम है, ऊपर भी 9 प्लेस है और नीचे भी 9 प्लेस है, तो हम वहीं से वहीं पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब सबका एलसीएम लो जितना ले सकते हो, 324 का, 81 का, इसका सबका एलसीएम लेना है और यहाँ वैल्यू प्लेस करती जानी है, ठीक है। तो हम अब एलसीएम लेते हैं और एक एक करके वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। तो अब पहले 324 का 2 1 6 1 6 2 2 8 1 9 9 9 1, तो ये आ गया 2 2 9 9। मुझे तो याद था ये 18 का स्क्वायर होता है, आप चाहते तो 18 × 18 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि क्लास सबके अकॉर्डिंग होता है, कि जो बहुत अच्छा बच्चा हो जो एवरेज बच्चा हो सबके हिसाब से। 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9,
हम चाहते तो 9 को भी 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, वो अलग चीज है, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम लिखेंगे। अब 4 6 2 4 4 6 2 4, 2 2 4 2 2 4 2 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
तो 15625, लास्ट में 5 आता है तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 से 5 से देखा 5 1 दा 5 2 दा 5 5 दा 5 से 5 6 दा 5 2 दा 5 5 दा। इसके बाद तो आपको याद ही है 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 आएगा 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब बचा 1289 होता है 17 का स्क्वायर। तो देखो नाइन्थ क्लास याद रखना, अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो स्क्वायर्स याद करने 1 to 30 और क्यूब याद करने 1 to 10। अगर याद है तो आप चीज़ें और आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर आपने 729 का एलसीएम लेना है, सपोज आपने कहा कि मैंने लेना है 729 का एलसीएम, तो देखो सबसे पहली बात यही कि आपको जो टीचर कह रहा है उसकी बात मानना है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आपको स्क्वायर याद करना है 1 to 30। अब कोई बच्चा सोचता है कि मैं क्यों याद करूं, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो चलो यहाँ देखते हैं, जब आप 729 का एलसीएम लेना शुरू करते हो तो आपको 1 by 1 चेक करोगे और ये एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता चलेगा कि ये ये स्क्वायर प्राइम नंबर है। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये 729 सीधा 27 से डिवाइड होता है। तो अब आप सोचो कितने इफर्ट्स लगेंगे कि आपको इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड करने का सोचना पड़ेगा, और ये डिवाइड कहाँ जाके होगा 27 का, 27 से जाएगा 27 टाइम 10 और फिर 27 से 1। अब जिसको मान लो इसका स्क्वायर पता है, तो आप लिख सकते हो 27 × 27, और आप 27 को 9 × 3 भी लिख सकते थे, है ना। तो आप 3 से भी डिवाइड करके वैसा भी कर सकते थे, तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो क्या कि 729 को 3 से डिवाइड किया, 3 × 2 = 3 × 3 = 3 × 8 = 1 3 × 9 = 27 3 × 9 = 3 × 3 = 1। तो देखो ये क्या मिला 27, और ये भी क्या मिला 27। ओके, आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 3 3 3 3 3 3 64 को मैं लिख सकता हूं क्या 8 × 8, और 8 × 8 को भी लिख सकता हूं क्या 2 to the 4 to the 8 2 to the 4 to the 8। नाउ अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, पहले कैंसिल करो जो कर सकता है, 2 2 गया 2 2 गया, तो दोनों 2 2 चले गए, ओके दोनों 2 2 कैंसिल हो गए। अब देखो 3 3 is 9 3 3 is 9 3 3 is 9, ये चला गया। अब 17 17 17 17, अब क्या बचा 1 2 3 1 2 3 4 4, ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 9 बचा, और नीचे क्या बचा 1 2 3 4 5 6, 5 बचा 6 टाइम्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 6, और आपको पता ही नहीं पता है जैसे हमने लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाय 2, तो मैंने पावर 1 बाय 2 लिख दिया। अब इसके बाद ये 3 की पावर 2 की पावर भी 1 बाय 2 होगा, और 5 की पावर 6 की पावर भी 1 बाय 2 होगा। पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 6 की मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से 3 कैंसिल हो गया, 3 और 5 की पावर 3। आप चाहो तो 5 की पावर 3 को एक्सपेंड कर सकते हो,
5 multiply 5 multiply 5, this will give us 3 by 125. तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो आपने एक चीज देखी कि आंसर कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन कितना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट कर रखा है तो आपका ओके। तो उसी क्वेश्चन की तरह हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो देखो करना क्या है, जैसे मैंने पहले इसके जैसा एक और क्वेश्चन कराया था तो आपने वो समझ लिया। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आपको वीडियो पॉज करनी है और फिर अपने आप सॉल्यूशन करना। अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर देखना है कि कहाँ गलती हुई है। तो यही ट्यूशन में होता है, ट्यूशन में भी क्या होता है, अगर आप ट्यूशन पढ़े तो पहले आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आपसे कहा जाता है करे जाए, फिर आप उन क्वेश्चन को करते हो, अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो आप क्या करते हो, फिर टीचर से कराते हो और फिर डाउट देखते हो कहाँ पे सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो ये एक वर्चुअल ट्यूशन हो सकता है। वर्चुअल ट्यूशन मतलब ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही आपका फिजिकल प्रेजेंस लगेगा, लेकिन ईमानदारी और मेहनत पूरी लगेगी। तो देखो काम करो, 3 3 3 9 प्लेस हो गए, 4 3 4 4 8 और 9 9। तो देखो इत्तिफाकन हमारा क्वेश्चन का बनाने का पैटर्न जिसका है वो आसान है कि वो क्या कर रहा है, हर बार ऊपर नीचे डेसिमल का प्लेस क्या कर रहा है, सेम रख रहा है। मान लो यहाँ 10 होता, यहाँ 9 होता और यहाँ 10 होता, तो क्या होता, इसके बदले 9 के बदले 10 की पावर 9 नीचे आता और 10 प्लेस के बदले 10 की पावर 10 ऊपर जाता, तो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 9 जाता तो 10 की पावर 1 बचता। ठीक है, जैसे कि सपोज इस तरीके से मान लो यह 2.568924 और 3.124, तो देखो यहाँ कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4, सॉरी यहाँ 4, तो 2 5 6 8 9 2 4 3 1 2 2 4, यहाँ से 6, तो नीचे 6 आ गया, यहाँ पे 4 तो ऊपर 4 आ गया। देखो इसके डेसिमल हटाने के लिए इधर नीचे आएगा, इसके डेसिमल हटाने के लिए ऊपर जाएगा, इससे जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 2। तो बस अब 2 5 6 8 9 2 4 3 1 2 2 4 और 100 अब सॉल्व करोगे तो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो वो याद रखना, क्वेश्चन बनाने वाले का पर्पस ओके। तो क्वेश्चन बनाने वाले का पर्पस आपकी कंसेप्ट देखना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऊपर 9 प्लेस है तो मैंने डेसिमल हटा दी, 256 81 4 3 5 6, नीचे 1 5 6 2 5 1 2 1 1 9 1 2 9 6 64। अब हमने क्या करना है, लास्ट टाइम हमने क्या सिखाया था, अब इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो। तो 256 का एलसीएम लोगे तो होता है 16 × 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब बचा 4 3 5 6, तो हमारे पास बचा 4 3 5 6, इसका एलसीएम लोगे 2 2 4 2 1 2 2 2 7 14 2 8 16 2 से 2 2 2 8 16 और 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 3 3 9 3 6 18 और 3 3 9 3 3 9 3 2 6 और नहीं 3 से भी जाएगा। ओके, तो 3 से ट्राई किया, 3 3 9 3 9 18 3 3 9 3 6 18 और 3 3 9 3 से 1 2 1, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1, तो हमें क्या मिला, इसकी जगह मिला 3, देखो 2 2 3 3 और 11 और 11 नीचे 1 5 6 2 5। अगर याद हो तो अभी हमने इसे 5 से किया था, तो 5 6 बार आता है, 1 2 3 4 5 6, 121 क्या होता है, 11 × 11, 1 9 2 6 1 2 9 6 1 2 9 6, इसे करोगे तो 2 से 2 6 दा 2 4 दा 2 8 दा 2 से 2 3 2 2 2 4 2 से 2 1 2 6 2 2 2 से 8 1 फिर 9 और 9, तो आ गया 2 2 2 2 और 9 9। अब 64 तो आप सबको पता है क्या होता है, 8 × 8, 64 विल बी 8 × 8। अब हमें इसे सॉल्व करना है जिस हद तक हम कर सकते हैं। तो देखो 11 11 से 11 11 गया, 9 2 सॉरी
नाइन से नाइन गया, इस नाइन से ये नाइन गया। अब एट मल्टीप्लाई टू क्या होता है, सिक्सटीन, सिक्सटीन कैंसिल हो गया। फिर ये एट मल्टीप्लाई ये टू क्या होता है, सिक्सटीन, सिक्सटीन कैंसिल हो गया। तब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये टू से टू कैंसिल हो गया और टू से टू कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास बचा थ्री की पावर टू, ये तो तीन बचे, और नीचे बचा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव की पावर सिक्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, थ्री की पावर टू, फाइव की पावर सिक्स। और लास्ट वीडियो लास्ट क्वेश्चन में बताया था स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू, तो अब ये थ्री की पावर भी वन बाय टू लिखा जाएगा और फाइव वाले की पावर भी वन बाय टू लिखा जाएगा। और पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई वन बाय टू, फाइव की पावर सिक्स मल्टीप्लाई वन बाय टू, इससे गया तो बचा थ्री, इससे गया बचा फाइव की पावर थ्री, तो थ्री फाइव की पावर थ्री, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, थ्री वन ट्वेंटी फाइव आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों आंसर सेम है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर दोनों आंसर सेम हो या अलग हो, हमेशा सीखना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बना सकूं और आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।